नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टर्बिनाडॉक क्रीम का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, टर्बिनाडॉक क्रीम को कैसे लगाना चाहिए और टर्बिनाडॉक क्रीम की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि टर्बिनाडॉक क्रीम को लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। टर्बिनाडॉक एक ब्रांड नेम है। टर्बिनाडॉक क्रीम के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन टर्बिनाफाइन होता है। टर्बिनाडॉक क्रीम एक एंटी फंगल दवा है। टर्बिनाडॉक क्रीम का उपयोग त्वचा पर फंगल इन्फेक्शन होने पर किया जाता है। त्वचा पर फंगल इन्फेक्शन होने पर त्वचा पर रेड या सफेद रंग के धब्बे होना, त्वचा पर खुजली व जलन होना, त्वचा पर रैशेस होना, त्वचा पर दाद होना, त्वचा का पपड़ी बनकर उतरना, त्वचा में जख्म होना और त्वचा का कुछ हिस्सा सफेद व नरम होना आदि लक्षण फंगल इन्फेक्शन होने पर दिखाई देने लगते हैं। फंगल इन्फेक्शन शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में टर्बिनाडॉक क्रीम की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में टर्बिनाडॉक क्रीम की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे त्वचा में जलन होना, त्वचा में खुजली होना, त्वचा में रेडनेस होना, त्वचा में सूजन होना और त्वचा की एक पतली लेयर पपड़ी बनकर उतर सकती है। अगर आपको टर्बिनाडॉक क्रीम को लगाने के बाद त्वचा में बहुत तेज खुजली, जलन, त्वचा पर सूजन, त्वचा पर रेडनेस, त्वचा पर रैशेस या त्वचा पर सुई चुभने जैसी संवेदना ज्यादा होती है या ऐसा कोई लक्षण लगातार बना रहता है, तो ये लक्षण टर्बिनाडॉक क्रीम की वजह से एलर्जी होने पर भी हो सकते हैं। यदि आपको टर्बिनाडॉक क्रीम को लगाने के बाद ऐसा कोई लक्षण लगातार बना रहता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि टर्बिनाडॉक क्रीम को कैसे लगाना रिकमेंडेड होता है। टर्बिनाडॉक क्रीम को लगाने से पहले आपको अपने हाथों और प्रभावित एरिया को अच्छी तरह से पानी से धो लेना चाहिए और हाथों व प्रभावित एरिया को अच्छी तरह सुखाने के बाद टर्बिनाडॉक क्रीम की एक पतली लेयर प्रभावित एरिया पर एक उंगली की मदद से हल्के हाथ से फैलाकर लगानी चाहिए और टर्बिनाडॉक क्रीम को ज्यादा रगड़कर नहीं लगाना चाहिए। टर्बिनाडॉक क्रीम को लगाने के बाद आपको अपने हाथों को साबुन की मदद से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए ताकि इन्फेक्शन दूसरी जगह पर ना फैले। आमतौर पर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर टर्बिनाडॉक क्रीम को दिन में 2 बार लगाने की सलाह देते हैं। डॉक्टर टर्बिनाडॉक क्रीम को 1 सप्ताह से लेकर 2 सप्ताह तक लगातार लगाने की सलाह दे सकते हैं। टर्बिनाडॉक क्रीम की डोज उम्र और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको टर्बिनाडॉक क्रीम को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लगाना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि टर्बिनाडॉक क्रीम को लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। फंगल इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है, इसलिए जब तक फंगल इन्फेक्शन अच्छी तरह से ठीक न हो जाए तब तक संक्रमित व्यक्ति के कपड़ों और शारीरिक संपर्क में आने से बचना चाहिए। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को टर्बिनाडॉक क्रीम को लगाना रिकमेंडेड नहीं है। टर्बिनाडॉक क्रीम को सिर की त्वचा पर और आँख, नाक, मुंह और वजाइना के अंदर लगाना रिकमेंडेड नहीं होता है। वैसे टर्बिनाडॉक क्रीम प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, इसलिए जरूरत पड़ने पर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को टर्बिनाडॉक क्रीम को लगाने की सलाह दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका टर्बिनाडॉक क्रीम से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।